नमस्कार, कविता पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वो पॉडकास्ट है जहां आप सुनते हैं हिंदी कवियों की प्रसिद्ध रचनाओं का पाठ। तो आइए इत्मीनान से बैठिए और सुनते रहिए कविता पाठ। आज आप सुनेंगे समकालीन हास्य कवि हरिजीत सिंह टुकटुक द्वारा रची गई कविता, जिसका शीर्षक है कोविड। यह कविता उन्होंने पिछले वर्ष प्रथम लॉकडाउन के समय लिखी थी। हमारा तो निकल गया रोना, जब पता चला कि पड़ोसी को हो गया है कोरोना। रात के अंधेरे में, सुबह और सवेरे में, हम भी आ गए शक के घेरे में। हमने सबको यकीन दिलाया कि हम हैं सोबर और सुशील, फिर भी कर्मजलों ने कर दिया हमारा घर सील। हम इस बात से थे दुखी, तभी पत्नी पास आके रुकी, बोली घर में खत्म हो गया है राशन। हमने कहा देवी बंद करो यह भाषण। पत्नी को नहीं पसंद आया हमारा टोन, उठा के तोड़ दिया हमारा मोबाइल फोन। गुस्से में उसका चेहरा हो गया लाल पीला, पता नहीं गरीबी में ही क्यों होता है आटा गीला। अब हमें पत्नी के हुक्म का पालन करना था, घर के लिए राशन का इंतजाम करना था। हमने अपनी इज्जत खूंटी पे टांगी, खिड़की से चिल्ला चिल्ला के सबसे मदद मांगी। कोई नहीं आया, जो भी कहते थे कि हम भगवान के दूत हैं, बिना देखे ऐसे निकल गए जैसे हम कोई भूत हैं। आखिर एक बूढ़ा चौकीदार आया, उसने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया। बोर्ड पे लिखा था, साहब वैसे तो जेंटल हैं, लॉकडाउन में हो गए मेंटल हैं, इफ यू हियर शोर प्लीज इग्नोर। हमने कहा भैया आ रहा है मजा, दूसरों के कर्मों की हमको देके सजा। वह बोला बाबूजी लाखों रोजगार छोड़कर चले गए घर, हजारों बिना इलाज के कर रहे हैं सफर, सैकड़ों रोज करते हैं भूख से लड़ाई, वो सब भी इसी बात की दे रहे हैं दुहाई। आखिर किसकी गलती की सजा हमने है पाई। बुरा मत मानिएगा, बात सच्ची है, कड़वी लग सकती है, पर किसी की गलती की सजा किसी को भी मिल सकती है। वैसे आपको बताने आया था विद स्माइल, आपके पड़ोसी की बदल गई थी फाइल। हमने भगवान को लाख लाख धन्यवाद किया और कविता का अंत कुछ इस तरह से किया। पड़ोसी तो लग के आ गया हॉस्पिटल की लाइन में, हम अभी भी चल रहे हैं क्वारंटाइन में। बस आज के एपिसोड में इतना ही। कविता पाठ पॉडकास्ट को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और कविता के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।